बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी लर्न बायोलॉजी लेसन नंबर 1। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज ड्राइव्ड टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लॉगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगोस मीन्स टू स्टडी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। हयातियात, हयातियात का लफ्ज दो यूनानी जबान के अल्फाज से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब ज़िंदगी और लोगोस का मतलब मुताला करना, ज़िंदगी का मुताला हयातियात कहलाता है। मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, देर आर सो मैनी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नाउ आई विल टीच यू नंबर 1 जूलॉजी। ज़ू मीन्स एनिमल्स एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। हैवानियात, जानवरों के मुतालिक इल्म हासिल करना हैवानियात कहलाता है। बॉटनी, बुटैन मीन्स प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। नबातियात, पौधों के मुतालिक इल्म हासिल करना नबातियात कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इल्म में खुर्द हयातियात, खुर्दबीनी हयातियाती जानदार जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, इनके मुतालिक इल्म हासिल करना इल्म में खुर्द हयातियात कहलाता है। मॉर्फोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। जानदारों के बैरूनी साख का मुताला मॉर्फोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइटोलॉजी, जानदारों में मौजूद सेल का मुताला साइटोलॉजी कहलाता है। सेल हर जानदार के जिस्म की बुनियादी इकाई है। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जानदारों के मुख्तलिफ अज़ा की कारकर्दगी का मुताला फिजियोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जानदारों का अपने माहौल और एक दूसरे के साथ ताल्लुक इकोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जानदारों में विरासती खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना जेनेटिक्स कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी हयातियात के इल्म को इंसान की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये तमाम ब्रांचेस और चीज़ें बुक और नोट्स के बगैर समझ में नहीं आ सकती, लिहाजा आप अपनी बुक, बायोलॉजी की बुक और नोट्स स्कूल से ले लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे।